अव्यक्त मुरली हम रिपीट कर रहे हैं, आज है 277। आज की मुरली का विषय है विशाल बुद्धि। विशाल बुद्धि ये बाबा ने सुनाई थी 3 अक्टूबर 1975 को। बेगमपुर के बादशाह बनाने वाले, सर्व खुशियों के खजाने की चाबी प्रदान करने वाले शिव बाबा बच्चों के प्रति पुल। ये बेगमपुर कौन सी जगह पर है? जहां कोई गम ना हो, ऐसी दुनिया के बादशाह बनाते हैं, वो कहाँ है? कहीं होगा। हाँ जी, यहीं पर है, संगम पर। खुद को बनाएंगे बादशाह जब हमें कोई गम नहीं रहेगा, और वो गम नहीं रहेगा कब? जब हम बाबा की श्री मत पर तो खुशी से उड़ते रहे। सभी अपने को विधाता बाप द्वारा विधि और विधान को जानने वाले। कौन है बाबा? विधाता। विधाता मतलब नियम बनाने वाला, हमारे जीवन के लिए नियम विधि बताने वाला, बनाने वाला। बाप द्वारा विधि और विधान को जानने वाले, समझते हो क्या? हमें भगवान आकर वो नियम बता रहे हैं और हम उन नियमों को जानने और समझने वाले हैं। विधि और विधान को जानने वाले हो, हर संकल्प और हर कर्म में सिद्धि स्वरूप होते हैं। तो विधि विधान को जानते हैं तो उनका फिर हर संकल्प और हर कर्म में सिद्धि सफलता मिली पड़ी है। ऐसे अपने को अनुभव करते हो? क्योंकि जो नियम जानता है, विधि जानता है, फिर वो गलती तो नहीं करेगा ना। ऐसे अपने को अनुभव करते हो सिद्धि स्वरूप अर्थात बेगमपुर का बादशाह। भविष्य राज्य भाग्य प्राप्त करने के पहले वर्तमान समय भी बेगमपुर के बादशाह हो, अर्थात संकल्प में भी गम अर्थात दुख की लहर ना हो। क्योंकि दुख धाम से निकल अब हम संगम युग पर खड़े हैं। कहां से निकल आए? दुख धाम से निकल आए, कहां आ गए? संगम युग पर। संगम युग पर कैसे आ गए? हम बाबा से मिले, हम बाबा के बच्चे बने, तो अब हम कहां आ गए? संगम पर। ऐसे संगम योगी बेगमपुर के बादशाह अपने आप को समझते हो ना? बेगमपुर का बादशाह अर्थात खुशियों के खजाने का मालिक। खुशियों का खजाना ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है। खुशियों का खजाना ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है। इस अधिकार के कारण ही आज श्रेष्ठ आत्माओं के नाम और रूप का सत्कार होता रहता है। ये वैसे होना चाहिए, साक्षात्कार, नाम और रूप का साक्षात्कार होता रहता है। सत्कार होता है तो पूजा होनी चाहिए। चलो, ऐसे बेगमपुर के बादशाह जिनों का नाम लेने से ही अनेक आत्माओं के अल्पकाल के लिए दुख दूर हो जाते, अनेक आत्माओं के अल्पकाल के दुख दूर हो जाते हैं। जिनके चित्रों को देखते चरित्रों का गायन करते हैं और दुखी आत्मा खुशी का अनुभव करने लगती है। ऐसे चैतन्य
आप स्वयं बेगमपुर के बादशाह हो, बेगमपुर के बादशाह हो, अपने खजानों को जानते हो, सर्व खजानों को स्मृति में रखते हुए सदा हर्षित अर्थात सदा प्रकृति और पांच विकारों के आक्रमण से परे, सदा प्रकृति और पांच विकारों के आक्रमण से क्या हो परे, इसी खुशी के खजाने से संपन्न स्वरूप कैसे बने, एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसा अनुभव करते हो, पूछ रहे हैं बाप, मतलब तुम बने हो कि नहीं, खजानों की चाबी तो मजबूत रखते हो ना, चाबी तो संभाल के रखी है ना, चाबी खो तो नहीं देते हो, समय और समय के प्रमाण आत्माओं की सूक्ष्म पुकार सुनने में आती है, वह अपने में ही सदा बिजी रहते हो, भगत तुम्हें पुकार रहे हैं, हे इष्ट देवियों देवताओं आओ, उनकी पुकार आपके कानों में पड़ती है कि नहीं पड़ती, पड़ती है क्या, हम पुकार रहे हैं, पड़ती है, हम क्यों पुकार, हमारे बाबा पूछ रहे हैं तुम सत्यु के देवी देवता हो तो जरूर तुम्हें तुम्हारे भक्तों की पुकार तुम्हारे कानों में पड़नी चाहिए, तो उनको तो आपने पूरा करने के लिए जाना है ना, वह अपने में ही सदा बिजी हो के अभी हम ही अपनी पूरा कर रहे हैं, वह बाद में सुनेंगे, पहले हम अपने को तो पा लेंगे, कहाँ हो बाबा पूछ रहे हैं, मतलब उस स्टेज तक पहुंचे हो कि नहीं पहुंचे हो, कल्प पहले वाले आपके भक्त आत्माएं अपने अपने इष्ट का आह्वान कर रही हैं, हमारे इष्ट देवता आओ, पूजा कर रही हैं, पुकार रही हैं, आह्वान कर रही हैं, आजा आजा मैया, आजा माँ, आजा, हाँ धुन लगे लगा रही हैं, राम को बुलाएं चाहे कृष्ण को बुलाएं चाहे किसको बुलाएं, भजन गा गा कर बुला रहे हैं अपने इष्ट देवी देवताओं को, दिन प्रतिदिन अपनी पुकार साजों में साजों से सजाते हुए अर्थात खूब गाजे बाजे बजाते हुए जोर शोर से पुकारना शुरू करते हैं, आप सभी को राजी करने के अनेक साधन अपनाते हैं, तो चैतन्य में गुप्त रूप में सुनते हुए देखते हुए रहम नहीं आता, उन पर तरस नहीं आता कि वो बेचारे तुम्हें इतना पुकार रहे हैं, अब तक अपने ऊपर ही रहम करने में बिजी हो, उन पर रहम कब करोगे, यदि तुम अपने ऊपर रहम करने बिजी हो, वो मंदिरों में घंटियां बजा बजा के तुम्हें ढोल के छेने बजा बजा कर तुम्हें बुला रहे हैं, उनको कब कल्याण करोगे, विश्व कल्याणी, अब समझ में आया, अभी अभी नशा नहीं चढ़ा, विश्व कल्याणकारी महादानी कुछ तो सुनो, वरदानी और टाइटल देवे स्वरूप में स्थित होने से ही रहम आएगा, अपने आप को याद करो, तुम सारे विश्व का कल्याण करने वाली हो, महादानी हो, वरदानी हो, स्वयं को जगत माता समझो, कौन हो, सोचा था आपने हम जगत माता बनने जाएंगे, देखो कैसे बाबा कहता है, स्वयं को जगत माता व जगत पिता के स्वरूप में अनुभव करने से ही रहम उत्पन्न होगा, समझो कि तुम जगत माता हो, जगत पिता हो, वो भगत तुम्हें पुकार रहे हैं, किसी भी आत्मा का दुख व भटकना सहन नहीं होगा, लेकिन इस स्वरूप में बहुत कम समय ठहरते वापिस रोने बैठ जाते,
थोड़ी देर रुकते हो, बस फिर बैठ जाते। समय प्रमाण सेवा का स्वरूप बेहद और विशाल होना चाहिए। सारी दुनिया तुम्हें पुकार रही है, तुम्हें तो सबका कल्याण करने के लिए चलना चाहिए। बेहद का स्वरूप कौन सा है पूछ रहे। अभी जो कर रहे हो इसको बेहद कहेंगे? मेला बेहद का हुआ, एक कॉलोनी के तो लोग आए, आपने कोई मेला किया, एक शहर के लोग आ जाएंगे, शिवानी आएगी, ज्यादा ज्यादा गुड़गांव के लोग आ जाएंगे, कोई दो चार पांच दीवाने होंगे तो बाहर से भी आ जाएंगे। ये मेला बेहद का हुआ, पहले की भेंट में अब बेहद समझते हो। पहले तो छोटे छोटे प्रदर्शनियां करते थे, अब तुम अपने आप सोचते अब हम बहुत बड़ा कर रहे हैं, बेहद समझते हो का स्वरूप समझते हो। लेकिन अंतिम बेहद का स्वरूप क्या है? कोई भी आत्मा बाकी ना रहे जिसको परमात्मा का संदेश ना मिला हो, तब बेहद होगा। एक भी आत्मा रह गई, उसने कंप्लेन किया कि मुझे क्यों नहीं बताया कि भगवान आके पढ़ा रहे हैं, मैं भी आती, अच्छी तरह नहीं बताया, वो शिकायत तो करेगा। जिसका साजिश के साथ उसका हिसाब किताब होगा, उसको तो पकड़ के अच्छी तरह कहेगा, मेरे को क्यों नहीं बताया, इतना ही प्यार था मेरे साथ तुम्हारा। समय की रफ्तार प्रमाण सिर्फ संदेश देने के कार्य में भी अब तक कितने परसेंट को संदेश दिया, कितने परसेंट को संदेश दिया पूछ रहे हैं। संदेश ही पूरा नहीं दिया अभी तक। सतयुग की आदि की कितनी आत्माएं होंगी सतयुग की आदि में, आपको बता दिया? हाँ जी, नौ, नौ क्या, 9 लाख बोलो भाई, आपको बताया है कोर्स में कि सतयुग की आदि में 9 लाख होंगे ना, है नहीं? सतयुग की आदि की 9 लाख प्रजा, उतनों को संदेश दिया आपने? क्योंकि जिस टाइम में मुरली चली है उस टाइम तक 9 लाख तक नहीं पहुंचा था, तो पूछ रहे हैं कि 9 लाख को संदेश दिया। आपके सामने दिखाई देती हैं आदि की प्रजा को की भी कुछ विशेषताएं होंगी ना, ऐसी विशेषता संपन्न आत्माएं सभी सेवा केंद्र में भी दिखाई देती हैं कि वो भी अभी घूंघट में ही है। अभी उन्होंने क्या कर रखा है, घूंघट पर्दा। हाँ अच्छा, 16,000 की माला दिखाई देती है, 9 लाख वाली नहीं दिखाई देती? तो 9 लाख वाली तुम नहीं दिखाई दे रही, 16,000 वाली दिखाई देती है। टीचर्स सुनती नहीं है, टीचर्स 16,000 की माला तैयार की है। घूंघट खोलने की डेट कौन सी है, कब पर्दा हटाएं, देवियां दर्शन देंगी। समय प्रमाण अब होना तो है ही, लेकिन ऐसे समझ कर भी अलबेले मत बनना, ऐसे समझ कर भी अलबेले मत बनना। अब बेहद के प्लान्स बनाओ। बेहद के प्लान्स अर्थात जिन भी आत्माओं की सेवा करते हो, वे हर एक आत्मा अनेकों के निमित्त बनने वाली है, ये सोचकर सेवा करो। आपने एक आत्मा को भी समझा दिया तो वो अनेक आत्माओं की सेवा करेगी, तभी तो झाड़ बनेगा ना। एक एक आत्मा बेहद की आत्माओं की सेवा के प्रति निमित्त बने। अब तक तो आप स्वयं एक एक आत्मा के प्रति समय दे रहे हो, आप ऐसा ही ऐसी ही आत्माओं की सेवा करो, जो वे आत्मा ही
अनेकों की सेवा अर्थ निमित्त बने, उनके नाम से सेवा हो। जैसे कई आत्माएं अपने संबंध संपर्क और सेवा के आधार पर अनेकों में प्रसिद्ध होती हैं, अर्थात उनके गुणों और कर्तव्य की छाप अनेकों प्रति पहले से ही होती है। इसमें सिर्फ धनवान की बात नहीं, वह सिर्फ पोजीशन की बात नहीं, लेकिन कई साधारण भी अपने गुण और सेवा के आधार पर अपनी अपनी फील्ड में प्रसिद्ध होते हैं, चाहे राजनीति में हो, चाहे धार्मिक हो, लेकिन प्रभावशाली होते हैं, उनका समाज में बहुत प्रभाव होता है। ऐसी आत्माओं को चुनो जो आप लोगों की तरफ से वो आत्माएं सेवा अर्थ निमित्त बनती जाएं। ऐसी क्वालिटी की सर्विस अभी रही हुई है। नाम के प्रसिद्ध दो प्रकार के होते हैं, एक पोजीशन की सीट के कारण, दूसरे होते हैं गुण और कर्तव्य के आधार पर। सीट के आधार पर नाम वालों का प्रभाव अल्पकाल के लिए पड़ेगा। कोई कोई मिनिस्टर है, कोई डायरेक्टर है, कोई जज है, उनका प्रभाव थोड़ा पड़ेगा, और जो मतलब गुणों के और कर्तव्य के आधार पर समाज पर प्रभाव डालने वाले हैं, जो कोई धार्मिक नेता हैं या कुछ अच्छे विचार करने वाले हैं, आधार पर आत्माओं का प्रभाव सदा काल के लिए पड़ेगा। क्योंकि जो आप पहले से धार्मिक हैं वही कहेंगे तो उनका प्रभाव सदा काल पड़ेगा। इसलिए रूहानी सेवा के निमित्त ऐसी प्रसिद्ध आत्माओं को निकालो, तब थोड़े समय में बेहद की सर्विस कर सकेंगे। इसको कहते हैं विहंग मार्ग की सेवा, जो एक द्वारा अनेकों को दूर तीर लग जाए। ऐसी आत्माओं के आने से अनेक आत्माओं का आना ऑटोमेटिकल होता है। तो अब ऐसी सर्विस की रूपरेखा बनाओ, ऐसी सेवा के निमित्त बनने वाली आत्माएं, आप गॉडली स्टूडेंट हो, किसके स्टूडेंट हैं, गॉड के, भगवान के विद्यार्थी हैं, की तरह रेगुलर स्टूडेंट्स नहीं बनेंगी, वो आपकी तरह रेगुलर स्टूडेंट नहीं बनेंगी, सिर्फ उनका संबंध और संपर्क समीप और स्नेह युक्त होगा। ऐसी आत्माओं को विशाल बुद्धि बन, उनकी इच्छा प्रमाण, उनकी प्राप्ति का आधार समझते हुए उनके अनुभव द्वारा अनेकों की सेवा के निमित्त बनाना पड़े। इस बेहद की सेवा अर्थ परखने की शक्ति की आवश्यकता है। इसलिए अब ऐसी विशाल बुद्धि बन, सेवा का विशाल रूप बनाओ। अब देखेंगे ऐसी विशाल सर्विस का सबूत कौन से सपूत बच्चे देते हैं, कौन से सपूत बच्चे देते हैं, देखेगा बाबा। ऐसी सर्विस के निमित्त बनने वाले राज्य पद के अधिकारी बनते हैं, कौन सा जोन नंबर वन जाता है, ये रिजल्ट से पता पड़ेगा। अच्छा, ऐसे सर्विसेबल बेहद के विशाल बुद्धि वाले संकल्प द्वारा भी अनेक आत्माओं प्रति सेवा करने वाले ऐसे बाप समान सदा अथक सेवाधारी सबूत दिखाने वाले सपूत बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। इस मुरली के विशेष तथ्य हैं, नंबर एक, विधि और विधान को जानने वाले हर संकल्प और हर कर्म में सिद्धि स्वरूप
होते हैं। अपने को बेगमपुर के बादशाह समझते हो, अर्थात संकल्प में भी गम अर्थात दुख की लहर ना हो। संगम युगी बेगमपुर के बादशाह अर्थात सर्व खुशी के खजानों का मालिक। नंबर 3, समय प्रमाण अब बेहद के प्लान्स बनाओ, अर्थात जिन भी आत्माओं की सेवा करते हो वो हर एक आत्मा बेहद की आत्मा की सेवा के प्रति निमित्त बनी है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।